वेलकम टू स्टूडेंट, दिस इज अवर्णो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नोवेल के बारे में जिसका नाम है नेक्टर इन अ सीव बाई कमला मार्कंडे। यदि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को और अपने प्रीवियस टॉपिक्स को कंप्लीट नहीं किया है तो चल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको BA फिक्स सेमेस्टर पेपर नंबर 1 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहाँ से अपने पेपर नंबर 1 को और एक दूसरी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से पेपर नंबर 2 को आप कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि चैनल पर जो कंटेंट अवेलेबल होता है, जिस कंटेंट के पीछे बहुत सारे राइटर्स और पब्लिशर्स का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, तो सारा क्रेडिट कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन राइटर्स और पब्लिशर्स को जाता है। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्टर इन अ सीव इज अ पॉइजनेंट एंड पावरफुल नोवल रिटन बाई कमला मार्कंडे। तो नेक्टर इन अ सीव एक पॉइजनेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नॉवल है जिसको कमला मार्कंडे ने लिखा है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1954, जो कि 1954 में पहली बार देखने को मिलता है। सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रूरल इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। अब यहाँ पर सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप, तो यहाँ पर जो थी, जो मतलब बैकग्राउंड है, जो एज टाइम है, जो समय की यदि हम बात करते हैं, ये उस समय की बात है जब रूरल इंडिया, जो ग्रामीण भारत था, उसके अंदर इकोनॉमिक चेंजेस और सोशल चेंजेस चल रहे थे। द नोवल डैश इन टू द लाइफ्स ऑफ कैरेक्टर्स। इस नोवल के अंदर आपको कैरेक्टर्स के बारे में बहुत सारी बातें पता चलेगी। एक्सप्लोरिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ सर्वाइवल, और जो ग्रामीण परिवेश में जो लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी, जो विभिन्न समस्याओं का, अपने सर्वाइवल के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है, उसको प्रेजेंट किया गया है। लव को प्रेजेंट किया गया है, एंड ह्यूमन एंड्योरेंस, और एक इंसान की जो सामर्थ्य होती है, सहन शक्ति जो होती है, उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। नेक्टर इन अ सीव रिमेंस अ क्लासिक वर्क ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट कॉलोनियल का मतलब होता है स्वतंत्रता के बाद, 1947 के बाद का टाइम पीरियड है यहाँ पे। और ऑफरिंग रीडर्स ए कंपेलिंग एंड इमोशनली चार्ज एक्सप्लोरेशन, और जो रीडर्स होते हैं उनको ये नोवेल मजबूर करता है इमोशनली, या मतलब इमोशंस के रूप में एक्सप्लोर करने पर ह्यूमन कंडीशन, मतलब इमोशनली ह्यूमन की जो कंडीशन होती है उसको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। कमला मार्कंडेज नोवेल कंटिन्यूज टू बी स्टडीड एंड अप्रिशिएटेड फॉर इट्स प्रोफाउंड इनसाइट्स। कमला मार्कंडे के नोवेल्स की खास बात ये होती है कि इनके अंदर आपको प्रोफाउंड इनसाइट्स, बहुत गहरा समझ जो होती है, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। इन टू अ सोशो इकोनॉमिक रियलिटीज़, समाज की, उसकी स्ट्रक्चर को लेकर के और उसके इकोनॉमिक्स, उसके अर्थशास्त्र को लेकर के यहाँ पर जो हार्ड रियलिटीज़ है उसको प्रेजेंट किया गया है। इन ए चेंजिंग इंडिया, बदलते हुए भारत के अंदर, एंड द यूनिवर्सल थीम्स ऑफ ह्यूमन परज्यूरेंस, और यहाँ पर जो इंसान का एक परज्यूरेंस होता है, धैर्य होता है, सहन शक्ति होती है, उसको भी प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं इस नोवेल के बारे में। द नोवल पब्लिश्ड इन 1954, और जेनर है पोस्ट कॉलोनियल फिक्शन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, 1947 के बाद का टाइम पीरियड है। सेटिंग है रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत को यहाँ पे सेट के रूप में लिया गया है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप सोसाइटल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, और सोसाइटी के अंदर सोसाइटी बदल रही है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही है, जिसको यहाँ पे दर्शाया गया है। प्रोटागनिस्ट की यदि हम बात करते हैं, मुख्य कैरेक्टर की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पे रुक्मणी एक विलेज वुमेन है, उसको मैन कैरेक्टर के रूप में पोर्ट्रेट किया गया है। थीम की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको पॉवर्टी, गरीबी देखने को मिलेगी, स्ट्रगल, एक संघर्ष देखने को मिलेगा। रेजिलियंस एंड एंड्योरेंस, जो एक आंतरिक धैर्य होता है, सहन शक्ति होती है, उसको प्रेजेंट किया गया है। एंड इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और आधुनिकता का जीवन पर क्या प्रभाव है, मॉडर्न जो थॉट्स और मॉडर्न जो लाइफ स्टाइल है, उसका लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। सिंबल की यदि हम बात करते हैं, तो टाइटल नेक्टर इन सीव सिम्बोलाइजेज द डेलिकेट बैलेंस इन लाइफ। तो नेक्टर इन सीव यहाँ पर एक सिंबल की तरह यूज़ किया गया है, जो शो करता है डेलिकेट बैलेंस ऑफ लाइफ, कि जीवन में बैलेंस की कितनी सख्त आवश्यकता होती है, एंड द चैलेंजेज ऑफ प्रजर्विंग दैट इज प्रीशियस एंड इनएविटेबल लॉसेस, जिसमें ये भी दिखाया गया है चैलेंजेस ऑफ प्रिजर्विंग दैट इज़ प्रीशियस, कि चैलेंज जो होता है उसमें प्रिजर्व करना, उसमें अपने आप को होल्ड बना करके रखना, अपने आप को अपडेट बना करके रखना कितना ज़रूरी होता है। इनएविटेबल लॉसेस, और कुछ ऐसे नुकसान होते हैं जिनसे इंसान खुद को बचा नहीं सकता, उसको भी इंडिकेट किया गया है।
इसके बाद हम बात करते हैं मेजर कैरेक्टर के बारे में। तो सबसे पहला कैरेक्टर है हमारे पास, दैट इज़ रुक्मणी। एंड रुक्मणी ही इज़ सेंट्रल कैरेक्टर एंड नैरेटर ऑफ द स्टोरी। रुक्मणी इज़ ए विलेज वुमेन। रुक्मणी एक गांव की औरत है हु एक्सपीरियंसेस द चैलेंजेस ऑफ द रूरल लाइफ। जो ग्रामीण जीवन के जो चैलेंजेस है उनको वो फेस करती हैं, लाइक पॉवर्टी, गांव के अंदर गरीबी होती है, इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल चेंजेस और समाज के अंदर विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं, तो वो उसको रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर इज देयर नाथन, रुक्मणीज हस्बैंड। ये रुक्मणी का हस्बैंड है एंड हम्बल फार्मर। ये एक बहुत ही नरम, मतलब बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड फार्मर है। नाथन इज ए की फिगर इन द नोवल। नाथन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नोवल के अंदर। हिज एफर्ट्स टू प्रोवाइड हिज फैमिली कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द नैरेटिव। और उसके जो एफर्ट्स है, उसकी जो कोशिशें हैं, जो उसके प्रयास है अपनी फैमिली के लिए, वो सिग्निफिकेंट है। एक कैरेक्टर है कैनी, डॉक्टर कैनिथ और कैनी। इसका नाम डॉक्टर कैनिथ है या उसको शॉर्ट में कैनी कहा जाता है। इज ए फॉरेन डॉक्टर, ये एक विदेशी डॉक्टर है। हु प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ कैरेक्टर, जिसका दूसरे कैरेक्टर की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ही बिकम्स इन्वॉल्व विद द विलेज। वो गांव के जो गतिविधियां है गांव में, वो एक्टिवली इंटरेस्ट लेता है, प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस, और वो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करता है, दवाइयाँ वगैरह गांव के लिए काफ़ी सपोर्ट करता है। एंड ब्रिजिंग कल्चरल गैप्स, और ये कोशिश करता है कि जो कल्चरल होते हैं, मॉडर्निटी और जो ओरिजिनलिटी या क्लासिक लाइफ स्टाइल होता है, उनके दोनों के बीच में जो गैप पैदा हो जाता है, आधुनिकता और पाश्चात्यता के बीच में जो गैप हो जाता है, उसके बीच को भरने, उस गैप को भरने का मुख्य काम यही करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है इरा, दैट इज़ रुक्मणीज डॉटर। ये रुक्मणी की लड़की है, हुज लाइफ टेक्स अनएक्सपेक्टेड टर्न्स, जिसका जीवन अचानक से बदल जाता है एज द फैमिली फेसेस हार्डशिप्स, क्योंकि इसकी फैमिली को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इराज एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्ट द ब्रॉडर थीम ऑफ द नोवल। और इरा का जो एक्सपीरियंस है वो इस कैरेक्टर में, इस नोवेल के अंदर एक बहुत ही ब्रॉडर थीम, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज सेल्वम, दैट इज़ रुक्मणी सन। ये रुक्मणी का लड़का है, हु बिकम्स ए सेंट्रल फिगर एज द फैमिली कन्फ्रंट्स द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ रूरल इंडिया। और जो सेंट्रल फिगर ऑफ द फैमिली, जिनका परिवार है, उस परिवार का मुख्य केंद्र बिंदु यही बन जाता है, क्योंकि परिवार जो है, जो रूरल इंडिया के अंदर है, वो चेंजिंग लैंडस्केप, चीज़ें बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। सेल्वम्स जर्नी मिरर्स द सोसाइटल शिफ्ट्स ऑक्यूरिंग अराउंड हिम। और सेल्वम की जो जर्नी है, सेल्वम की जो लाइफ है, वो मिरर है, वो रिफ्लेक्शन है सोसाइटल शिफ्ट्स की, किस प्रकार से समाज बदलता है, तो बदलता हुआ समाज आप सेल्वम के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर है, दैट इज़ अ पुली, ए यंग बॉय अडॉप्टेड बाय रुक्मणी। ये एक युवा लड़का है जो रुक्मणी और नाथन ने अडॉप्ट किया है, गोद लिया हुआ है। पुलीज प्रेजेंस एड्स डेप्थ टू द फैमिली डायनामिक्स। और जैसे ही पुली का अपना एक सोसाइटी के अंदर इंटरफेयर शुरू होता है, उसका प्रभाव शुरू होता है, उससे फैमिली डायनामिक्स, परिवार बदलता है, उसकी जो विचारधारा, एक परिवार का अपना सिस्टम होता है, वो बदलता है। एंड इलस्ट्रेट्स थिंग्स ऑफ कंपेशन एंड रेजिलियंस। और यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है, एक फैमिली के अंदर जो एक कंपेशन होता है, जो आपसी लगाव होता है, वो कितना इफेक्टिव रूप से काम करता है। एंड रेजिलियंस, उनका जो धैर्य होता है एक दूसरे के लिए, सहन शक्ति जो होती है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है, दैट इज़ कुंती, ए पाइवोटल कैरेक्टर। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, हु इंट्रोड्यूसेस कन्फ्लिक्ट इन टू रुक्मणीज लाइफ। जो रुक्मणी की लाइफ में एक कन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद्व या एक आंतरिक संघर्ष को इंडिकेट करता है। कुंतीज एक्शंस कंट्रीब्यूट टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय द फैमिली। और कुंती के जो कार्य हैं वो इंडिकेट करते हैं कि एक फैमिली के अंदर किस प्रकार से जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जब वो अपना चरित्र बदलते हैं, अपना व्यवहार बदलते हैं सोसाइटी के हिसाब से, तो फैमिली पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, फैमिली किस प्रकार से विभिन्न चैलेंजेस को फेस करती है, वो सारी चीज़ें आपको कुंती के कैरेक्टर में देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं और देखते हैं दीज कैरेक्टर्स विद दियर डाइवर्स एक्सपीरियंसेस। ये सारे जो कैरेक्टर हैं, जिनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारे के सारे कलेक्टिवली सेप
द नैरेटिव ऑफ नेक्टर नसीब एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ सच थिंग्स पॉवर्टी रेजिलियंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटल चेंज। तो सारे कुल मिलाकर के गरीबी ढेरियाँ और सोसाइटी के जो चेंजेस हो रहे हैं उसका लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सारी मेन थीम्स पर काम करते हैं। अब यदि हम समरी की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे बता देना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके कोर्स को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास किया जाता है और आपको मैं एक फैमिली की तरह मानता हूँ और आई फील दैट वी हैव अ गुड बॉन्डेज। हमें लगता है कि हमारे बीच में एक बहुत प्यारा सा रिश्ता है और इस रिश्ते को निभाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मूव करते हैं अपने समरी की तरफ। द स्टोरी बिगिंस इन रूरल इंडिया। ये कहानी एक ग्रामीण भारत में शुरू होती है, वेयर रुक्मणी, जहाँ पर एक रुक्मणी नाम का कैरेक्टर है, ए विलेज वुमेन, एक गांव की औरत है, रिकाउंट्स हर लाइफ, जो अपने जीवन को याद करती है, किस प्रकार से चीज़ें बदल रही है, क्या हो रहा है। द नैरेटिव अनफोल्ड्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ चेंजिंग सोसाइटी। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सोसाइटी है वो चेंज हो रही है, उसके कुछ बैकड्रॉप्स है, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको दिखाया गया है एज ए ट्रेडिशनल एग्रीरियन लाइफ, जो पारंपरिक, जो एक एग्रीरियन का मतलब होता है कृषि, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है बेसिकली वो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, क्लैशेस विद द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। लेकिन जो भारत है, जो सोसाइटी है वो बदल रही है और एग्रीरियन सोसाइटी से किसमें शिफ्ट हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो हमारी सोसाइटी कृषि पर आधारित थी, एग्रीकल्चर पर आधारित थी, वो धीरे धीरे करके फैक्ट्रियों पर और मॉडर्निटी और आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा शिफ्ट होती जा रही है। तो यहीं से ये कहानी शुरू होती है। सेटिंग द सीन, अब यहाँ पे सीन की सेटिंग शुरू होती है। रुक्मणी एंड हर हस्बैंड नाथन लिव ए मॉडेस्ट लाइफ एज ए फार्मर्स। रुक्मणी और जो नाथन उसके हस्बैंड है, एक मॉडेस्ट, एक ठीक ठाक सी एक फार्मर लाइफ जी रहे हैं। दियर एग्जिस्टेंस रिवॉल्व्स अराउंड द लैंड एंड दियर स्मॉल क्लोज नीट कम्युनिटी। इनका जो जीवन है, उनकी ज़मीन से, उनके छोटे जो कम्युनिटी है, उनका छोटा सा एक सोसाइटी, एक छोटी सी सोसाइटी है जो ग्रामीण सोसाइटी है, उससे ये लिंक करते हैं। डेस्पाइट द सिंप्लिसिटी ऑफ दियर लाइफ, हालांकि उनका जीवन बहुत सीधा साधा है, द एनक्रोचमेंट ऑफ प्रोग्रेस लूम्स ऑन द हॉरिजन। इनके चारों तरफ एनक्रोचमेंट है, एक एनक्रोचमेंट बोले तो एक कब्जा टाइप प्रोग्रेस, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश है उसके ऊपर जो मॉडर्निटी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसका कब्जा सा होता जा रहा है, मतलब उसका प्रभाव ज़्यादा होता जा रहा है। मैरिटल ब्लिस एंड चैलेंजेस, इनकी अब शादी के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। रुक्मणी एंड नाथन सर्डली ईयर्स ऑफ मैरिज आर मार्क बाई होप एंड लव। रुक्मणी और नाथन की जो शुरुआती टाइम है जब उनकी शादी हुई थी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत होपफुल थे, आशा से भरे हुए लोग थे, एंड लव, प्रेम से भरे लोग थे। बट द हार्ज रियलिटीज ऑफ एग्रीरियन लाइफ सून सेट इन। और जो एग्रीकल्चर लाइफ स्टाइल होता है, कृषि पर आधारित जो जीवन होता है, उसकी कड़वी सच्चाई भी यहाँ पे देखने को मिली, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और बचत बहुत कम होती है ना। और जैसे वक्त बदल रहा है तो एग्रीकल्चरल लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं माना जाता, और उसके अंदर कंपटीशन, और ये मान के चले कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, किसानों को जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, तो कुछ कड़वापन भी है इस लाइफ स्टाइल के अंदर। द कपल फेसिस द चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी। और ये जो कपल है, जो हस्बैंड वाइफ है, इनको कृषक होते हुए, फार्मर होते हुए भी गरीबी का स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है टू मेक एंड्स मीट, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके एंड प्रोवाइड फॉर दियर ग्रोइंग फैमिली। और उनका परिवार भी बढ़ रहा है, उनके परिवार का साइज़ बढ़ रहा है, और उनको उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अराइवल ऑफ कैनी। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर है कैनी, कैनिथ, उसको वो आ जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ए फॉरेन डॉक्टर, ये एक विदेशी डॉक्टर है, अराइव्स इन द विलेज, एक गाँव में आ जाता है। हिज प्रेजेंस इंट्रोड्यूसेस द विलेजर्स टू मॉडर्न मेडिसिन। और जैसे ही वो आता है तो गाँव वालों को आधुनिक जो मेडिसिन्स है, जो साइंटिफिक मेडिसिन्स हैं, इनको
इंट्रोड्यूस करता है। हालांकि जो गांव के लोग होते हैं नॉर्मली आयुर्वेदिक चीज़ें, जो तुलसी, लौंग, इलायची, इसी इन्हीं चीज़ों से अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं वो डॉक्टर कैनेथ लेकर के आता है गाँव में पहली बार। ए डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, जो कि बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता है लाइफ स्टाइल। कैनी बिकम्स अ सिंबल ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड। कैनी जो है ये बदलते हुए समाज का, बदलती हुई दुनिया का एक रिप्रेजेंटेटिव है, ऑफरिंग बोथ होप एंड डिसरप्शन। और ये दोनों चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, एक होप कि चूंकि वो ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहा है सोसाइटी के अंदर, पहली बार ऐसा हुआ कि गांव के लोगों को एडवांस मेडिसिन का पता चला, तो इसका मतलब डेवलपमेंट का पता चला एंड डिसरप्शन। लेकिन इस सब के बावजूद भी कुछ गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी फंडामेंटल एरर्स हैं जो कि सोसाइटी के अंदर है, उसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब उम्मीद के साथ साथ कुछ बेचैनी भी है, उसको भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा फैमिली डायनेमिक्स। परिवार जो है वो बदल रहे हैं, परिवार की जो स्ट्रक्चर है, उनकी आइडियोलॉजी है जो बदल रही है। रुक्मणी एंड नाथन, रुक्मणी और नाथन हैव सेवरल चिल्ड्रन, के कई बच्चे हैं, ईच विद देयर यूनिक चैलेंजेस। और हर बच्चे का अपना कुछ यूनिक चैलेंज है, हर बच्चे की अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। इरा दियर डॉटर, इरा उनकी जो लड़की है, फेसिस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट इन लाइफ, उसकी लाइफ में अचानक से बहुत सारे बदलाव आते हैं। एंड सेल्वम उनका लड़का है, बिकम्स द की फिगर इन फैमिलीज जर्नी, जो परिवार की पूरी जर्नी के रूप में एक मॉडल की तरह काम करता है। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, उनकी लाइफ पर किस प्रकार से मॉडर्निटी का प्रभाव पड़ता है ये भी देखते हैं। द इंडस्ट्रियलाइजेशन एडवांसेस, औद्योगिकरण अपनी गति पर है, प्रगति पर है। द विलेज अंडरगोज सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, और गांव के अंदर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ बिकम इंक्रीजिंग अनसस्टेनेबल, और जो नॉर्मली गांव का जो लाइफ स्टाइल होता है, दैट इज़ एग्रीकल्चरल लाइफ, वो बदल रही है। उसके अंदर अनस्टेबिलिटी वो बढ़ रही है, उसके अंदर स्टेबिलिटी जो एक होल्ड होता है, एक प्रभाव होता है, एक इफेक्ट होता है, वो एग्रीकल्चरल लाइफ का ख़त्म होता जा रहा है। एंड द कैरेक्टर्स ग्रेप विद डिस्प्लेसमेंट, और जो कैरेक्टर्स है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। पॉवर्टी, गरीबी बढ़ती जा रही है। एंड एरोजन ऑफ कल्चरल वैल्यूज़, और जो सांस्कृतिक वैल्यूज़ रही, जो रिचुअल्स रहे, परंपराएं रही, रीति रिवाज रहे, वो भी अब बदल रहे हैं, है ना। जब साइंस बढ़ता है तो पूर्व मान्यताएं भी बदलती चली जाती हैं। रिलेशनशिप्स एंड लॉस, और अब यहाँ पर आपको जो रिलेशनशिप्स है, रिश्तेदारी है, वो और लॉस भी रिफ्लेक्ट किया जाता है। द नोवल एक्सप्लोर द डायनेमिक्स ऑफ रिलेशनशिप, किस प्रकार से रिश्तों में भी फ़र्क पड़ रहा है, रिश्ते बदलते जा रहे हैं। बोथ विद इन द फैमिली, परिवार के अंदर भी रिश्ते अब चेंज हो रहे हैं, वो मजबूती, वो लगाव, वो कंपैशन अब देखने को नहीं मिलता। एंड द ब्रॉडर कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी की जो एक स्ट्रक्चर है, वो बढ़ती जा रही है। सोसाइटी पहले छोटी, कि लोगों के रिश्ते संबंध जो थे बहुत लिमिटेड लोगों तक थे, तो सोसाइटी की स्ट्रक्चर बहुत छोटी थी, लेकिन अब मॉडर्निटी की वजह से, साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से लोगों का इंट्रैक्शन बढ़ रही है, तो सोसाइटी की स्ट्रक्चर भी बढ़ रही है। एट डेप्थ इन नरेटिव द फैमिली ऑल्सो फेसिस प्रोफाउंड लॉस, और फैमिली को कई सारे नुकसानों का सामना करना पड़ता है। टेस्टिंग द रेजिलियंस, और यहाँ पर जो रेजिलियंस है, धैर्य है, इस विकट स्थिति में, इसका भी यहाँ पर टेस्ट होता है, इसको भी यहाँ पे चेक किया जाता है। कुंती इज इंट्रूजन, अब यहाँ पे कुंती का रोल सामने आता है। कुंती इज ए पाइवोटल कैरेक्टर, ये एक दमदार कैरेक्टर है। इट डिसरप्ट्स द फैमिली स्टेबिलिटी, जो परिवार का अपना एक शुरू से लेकर का एक जो होल्ड था, जो आपस में एक स्टेबिलिटी थी, स्थिरता थी, उसको वो आकर के डिस्टर्ब कर देती हैं। हर एक्शंस कॉन्ट्रीब्यूट टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय रुक्मणी एंड नाथन, और रुक्मणी और नाथन की लाइफ में आकर के वो खलबली मचा देती हैं। एडिंग एन एलिमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट टू द नेरेटिव, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपसी मनमुटाव, कन्फ्लिक्ट, तंत्र द्वंद, क्योंकि जब एक मॉडर्न थॉट आती है, देखो आप सोचिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, जब एक मॉडर्न थॉट आती है तो जो पुरानी थॉट्स होती हैं उनमें बेचैनी होना स्वाभाविक है। जब पुरानी थॉट्स को अपरूटेड करके, उनको उखाड़ करके नई थॉट्स को इम्प्लांट किया जाता है, तो जो पुरानी थॉट्स को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं वो बेचैन तो होंगे ही, क्योंकि
थॉट्स ही इंसान का एग्जिस्टेंस होता है। किसी भी इंसान की वैल्यू उसके थॉट से लगाई जाती है, और जब उसके थॉट्स को ही डिस्कार्ड कर दिया जाए, किसी इंसान की थॉट को ही रिजेक्ट कर दिया जाए, तो बेसिकली आप कहना ये चाह रहे हैं कि हम उस इंसान के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। या तो वो नई थॉट्स को डेवलप कर ले तो उसका एग्जिस्टेंस बच जाएगा, या फिर जैसे पुरानी थॉट्स डिस्कार्ड होगी, छोड़ दी जाएगी, उस व्यक्ति को भी पीछे सोसाइटी छोड़ करके आगे निकल जाती है। तो ये एक संघर्ष है, एक आंतरिक द्वंद है, एक अनस्टेबिलिटी है, एक तूफानी स्थिति है, एक सेकिंग है, हड़बड़ाहट है, बेचैनी है, स्ट्रगल एंड रेजिलियंस। और यहाँ पर आपको संघर्ष और जो त्याग सॉरी जो धैर्य है, सहन शक्ति है, उसको प्रेजेंट किया गया है थ्रू इट ऑल। रुक्मणी एंड नाथन डिस्प्ले रिमार्केबल रेजिलियंस, और रुक्मणी और नाथन दोनों गजब का धैर्य यहाँ पर दिखाते हैं। द नोवेल पोर्ट्रेज देयर अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, और इस नोवेल के अंदर यहाँ पे उनका जो अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, जो ऐसा दृढ़ निश्चय जो हिल नहीं सकता, जो डगमगा नहीं सकता, उसको इंडिकेट किया गया है टू कन्फ्रंट एडवर्सिटी। और वे दोनों मिल करके जो मुसीबत का दौर आता है उसको फेस करते हैं, हाईलाइटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। और वे दिखाते हैं कि जो इंसान की स्पिरिट होती है, इंसान का जो वजूद होता है, वो कितना मजबूत होता है, वो किसी भी विकट परिस्थिति में डगमगा नहीं सकता इन द फेस ऑफ इनएविटेबल चेंजेस। ऐसे परिवर्तन जिनको आप रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, समय है बदलता है, सोसाइटी है चेंज होती है, ट्रेडिशंस बदलते हैं, विचारधाराएँ बदलती हैं, तो सब कुछ बदल जाए, लेकिन जो ह्यूमन स्पिरिट है, जो आदमी का वजूद है, जो उसका एग्जिस्टेंस है, वो किसी भी स्थिति में सरेंडर नहीं करता, वो वक्त के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ही लेता है, और कर ही लेना चाहिए। यदि नहीं करता है तो उसको सोसाइटी उखाड़ फेंकती है, जैसे कि एक हेल्दी फसल में से खरपतवार को निकाल करके असाइड कर देते हैं, वैसे ही सोसाइटी भी ऐसे इंसान को अलग थलग कर देती है जो सोसाइटी के चेंजेस के साथ, सोसाइटी के एडवांसमेंट के साथ, परिवर्तन के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि सोसाइटी गलत डायरेक्शन में चली जाती है, ज़रूरी नहीं कि हर चेंज अच्छा ही होता है, कई बार बुरा भी होता है, लेकिन कई बार हमको चीज़ें तभी समझ में आती है जब हम रियलिटी में उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके परिणाम को फेस कर लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं। एज द नोवेल कंक्लूड, जैसे जैसे ये नोवेल अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचता है, द कैरेक्टर्स एंड पर्टिकुलरली रुक्मणी रिफ्लेक्ट ऑन द पासिस ऑफ टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो रुक्मणी के कैरेक्टर को यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया है, द एंड्यूरिंग नेचर ऑफ लाइफ। और यहाँ से एक बात हमको पता चलती है, एंड्यूरिंग नेचर ऑफ लाइफ, कि जीवन के अंदर एंड्योरेंस होता है, सामर्थ्य होता है, मजबूती होती है, उसको होल्ड करके रखना चाहिए किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में, विकट परिस्थिति में अपनी जो ताकत है उसको कम नहीं आंकना चाहिए। नेक्ट्रिन सीव लिव्स रीडर्स विद द पैजनेंट एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन। और ये जो नोवेल है ये एक्सप्लोर करता है ह्यूमन कंडीशन को, इंसानी स्थिति को, द इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्रेस, कि इंसान के जीवन पर किस प्रकार से प्रोग्रेस का प्रभाव पड़ता है, एंड द एबिलिटी टू फाइंड मोमेंट्स ऑफ स्वीटनेस इन द मिडस्ट ऑफ लाइफ चैलेंजेस। जीवन के युद्ध में, जीवन के संघर्ष में छोटे मोटे स्वीट मोमेंट्स को, प्यारे मोमेंट्स को ढूंढ लेना भी अपने जीवन में काबिलियत होती है, तो वो भी इस नोवेल के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ रुक्मणी एंड नाथन, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना जाए, बच्चे बदल रहे हैं, वक्त बदल रहा है, समाज बदल रहा है, ट्रेडिशन बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, लाइफ स्टाइल बदल रहा है, फिर भी वो सब कुछ संघर्ष के बावजूद भी अपने रिश्ते की खूबसूरती को, उसके प्यार को, उसके एग्जिस्टेंस को, उसकी वैल्यू को वो होल्ड करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो ये इंसान की अपनी क्वालिटी होती है, नेवर अंडर एस्टिमेट इट। अपने आप को, अपने जीवन को, अपने सामर्थ्य को, अपनी ताकत को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, हमेशा उस पर विश्वास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, कीप प्रोग्रेसिंग, आगे बढ़ते रहो, संघर्ष करते रहो, इसी में विजय है। गॉड ब्लेस यू।